नमस्कार, आदाब एंड सत श्रीकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा ऑफ कनाडा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने टिकटॉक पर बताया था कि हम इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, जो कि आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली हमारे क्रॉनिमिंग क्रिएशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है कि वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं कि हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा ऑफ कनाडा। तो इसमें दो वे है। एक तो आप अपना ओपन परमिट अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट स्पाउस है वो ओपन परमिट अप्लाई कर सकता है, या आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के फोर वे हैं, वह जो फोर वे हैं इसको अप्लाई करने के, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कि बच्चा किस तरीके से, स्पाउस किस तरीके से स्टूडेंट डिपेंडेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, उनके फोर वे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन, जब बच्चे ने अप्लाई करना है, स्टूडेंट ने और स्पाउस ने, वो सिमल्टेनियसली वो टुगेदर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ओपन परमिट कहते हैं, या स्टूडेंट वीज़ा जो डिपेंडेंट है वो टूरिस्ट वीज़ा, वो सिमल्टेनियसली दोनों इकट्ठी अपनी एप्लीकेशन लॉज कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने लॉज करनी है अपनी एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट को भी और डिपेंडेंट को भी डेमोंस्ट्रेट करना है अपने टाई, जितनी भी उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में वो रह रहा है, कि वो इज़ वेरी फाइनेंशियली और शी और ही वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो उसमें क्या उसने अपना दिखाना है, क्या डेमोंस्ट्रेट करना है? एक तो ये बताना है कि उसके पास बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पर, जिसमें उसको 40 या 50 हज़ार रुपया पर मंथ मिल रहा है, या बहुत अच्छा बिजनेस है और वो प्रीवियसली कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी ट्रेवल्ड हैं और उसके पास बहुत अच्छे एसेट्स हैं इंडिया में, जैसे प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इस टाइप का उसको प्रॉपरली डेमोंस्ट्रेट करना, वो आपका जो एजेंट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको एक्सपीरियंस है, वो ही इस वे को अच्छी तरह डेमोंस्ट्रेट कर सकता है कि हाउ द स्टूडेंट एज वेल एज द स्टूडेंट डिपेंडेंट सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर टू गेट दिस ओपन परमिट। तो एक तो ये हो गई वे कि आप सिमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि स्टूडेंट पहले वीज़ा अपना अप्लाई कर ले, जब उसका वीज़ा आ जाता है तो देयर आफ्टर जो उसका डिपेंडेंट है वो अपना वीज़ा अप्लाई करे, आइदर स्टूडेंट कर, आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर ले या ओपन परमिट कर ले वीज़ा आने के इमीडिएट बाद। और उसमें भी उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, पहले तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे डेमोंस्ट्रेट करना है। उसमें अब बच्चे ने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं जब उसका वीज़ा आ जाता है स्टूडेंट का, तो जो स्पाउस ने अप्लाई करना है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो बच्चे का जो बच्चे ने अपनी ट्यूशन फ़ीस भेजी हुई है स्टूडेंट ने, उसकी कन्फर्मेशन रिसीट, जो स्टडी परमिट आया हुआ है उसकी कन्फर्मेशन, और जो इनरोलमेंट है, ये तीन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो उसने अपने फाइल के साथ लगाने हैं। तो थर्ड कैटेगरी कौन सी आ जाती है, जब स्टूडेंट कनाडा चला जाता है जाने के बाद, तो तब उसके बाद वो अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, ओपन परमिट या स्टूडेंट वीज़ा। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कि स्टूडेंट जाने के इमीडिएट बाद बच्चा अप्लाई ना करे अपना स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, जिसको हम ओपन कनाडा ओपन परमिट कहते हैं। उसका कारण ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि अभी तो इसकी वाइफ गई है या उसका स्टूडेंट गया है, उसके बाद इमीडिएटली उसने अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर दिया, कि इनकी इंटेंशंस कोई इतनी क्लियर नहीं है, उसके अंदर कुछ गैप डाले। गैप क्या है? 3 मंथ का एटलीस्ट, या मोर देन 3 मंथ, या एक सेमेस्टर बच्चा वहाँ पर अपना क्लियर कर ले स्टडी वहाँ पर, वो स्टडी क्लियर करने के बाद एक सेमेस्टर, उसके बाद उसका वीज़ा डाले अपने स्पाउस का। उसके अंदर वो क्या डॉक्यूमेंट लगाए, जो पहले डॉक्यूमेंट बताया थे कि जो उसने अपनी ट्यूशन फीस भेजी उसकी कंफर्मेशन है, इनरोलमेंट जो लेटर आया वो, और साथ में एक सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट वहाँ लगाए। इसके अलावा और भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट आगे बताऊँगा। तो ये तो हो गए स्टूडेंट जाने के बाद जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। तो जो फोर्थ वे है हमारे पास, फोर्थ वे ये है कि जब स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है, जब उसको पोस्ट स्टडी परमिट मिल जाता है, उसके बाद वो अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करे, ओपन परमिट और टूरिस्ट वीज़ा। तो अभी उसमें भी कुछ प्रीकॉशंस लेने पड़ते हैं
क्योंकि हमारे पास जब बच्चों के रिजेक्शंस हो जाते हैं ओपन परमिट के, वो हमारे पास आते हैं रिफ्यूज़ल लेटर लेकर, लेकिन जो अच्छा आपका एजेंट है या कंसल्टेंट है वो सारे केस को रिव्यू करता है, देखता है, स्टडी करता है कि किस रीज़न से इसकी रिजेक्शंस हुई है। तो जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आए कि बच्चा चला गया है स्टूडेंट वहाँ पे और उसको वर्क परमिट मिल गया है, वर्क परमिट के बाद उन्होंने वीज़ा डाला, उसके बाद भी उसको रिजेक्शन मिली है, उसके क्या कारण है? उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि जब स्टूडेंट चला जाता है उसके बाद अगर आपने ओपन परमिट डालना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट ने पोस्ट स्टडी परमिट लिया है उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो NOC जो उनके नेशनल ऑक्यूपेशनल जो उनके क्लासिफिकेशंस हैं जिसको हम NOC कहते हैं, उसमें जो जॉब जॉब लेवल है वो O, A और B के इक्वलेंट होना चाहिए। वो क्या है जॉब लेवल में? CI जो CIC की गवर्नमेंट की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसमें चेक कर सकते हैं। जो NOC लेवल जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं कि ओ कैटेगरी में कौन सी जॉब्स आती हैं, ए कैटेगरी में कौन सी आती हैं, बी कैटेगरी में कौन सी आती हैं, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपके स्टूडेंट जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहा है उसके बाद उसको जॉब मिलती है, अगर उसकी जॉब उन प्रोफाइल से रिलेटेड है, देयर आफ्टर जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है वो ओपन परमिट अप्लाई करता है, तो उसको मैक्सिमम चांसेस है आप वीज़ा मिलने की। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दिया है गवर्नमेंट का, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक तो वो चेक करना है जो उसकी जॉब उसके लेवल की होनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो जॉब वहाँ पर कर रहा है स्टूडेंट स्टडी के बाद, उसके T4 इनकम टैक्स के जो पेपर हैं वो, जैसे T4 जो होते हैं जैसे इंडिया में हम इनकम टैक्स के पेपर कहते हैं, वहाँ पे कनाडा में T4 चलते हैं, वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट वो भेजे यहाँ पे आपकी वहाँ पे जो स्टूडेंट डिपेंडेंट जो वर्क परमिट पर है, तो स्टूडेंट डिपेंडेंट जिसने अप्लाई करना, वो डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर वो यहाँ से वीज़ा अप्लाई करे। अभी वीज़ा अप्लाई कैसे करना है ये तो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बता दिए। यहाँ पर जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसमें क्या क्या है? जब आपने ये चार वे मैंने बताए अप्लाई करने में, उनमें से ये भी डॉक्यूमेंट जो अभी मैं डिस्कशन करूँगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें मैरिज सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो कॉन्टैक्ट है आपकी स्पाउस के साथ वहाँ पर, जैसे आपकी कोई चैटिंग्स हैं या टेलीफोन कॉल्स हैं रेगुलर आप उसके टच में हैं, कोई इन्विटेशंस भेजा हुआ है, कोई आपका इंडिया में ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है, आपकी कोई फोटोग्राफ्स है, ये जो मैरिटल्स डॉक्यूमेंट है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है स्टूडेंट डिपेंडेंट का या ओपन वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा, तो ये डॉक्यूमेंट जो मैरिटल मैंने बताया है दिस इज़ रिलेशनशिप जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मैंने बताया है आपको, वो साथ में ज़रूर लगाने हैं आपने। और ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद देयर आफ्टर इफ़ यू विल पुट द एप्लीकेशन, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा मिल सकता है, आइदर ओपन परमिट और टूरिस्ट वीज़ा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि जो ओपन परमिट है वो कितने टाइम का मिलता है, अभी वो कितने टाइम का मिलेगा, जितनी ड्यूरेशन आपके जो स्टूडेंट है मेन एप्लीकेंट है जितनी ड्यूरेशन का उसको मिला है उतनी ड्यूरेशन का, अगर उसको 2 साल का परमिट मिला है तो उसको भी 2 साल का ही मिलेगा स्टूडेंट डिपेंडेंट को, अगर उसके बाद 3 साल का तो उसको भी उतना ही मिलेगा। और अगर वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता है तो टूरिस्ट वीज़ा एज पर द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट मिलेगा। तो ये था हमारा हाउ टू अप्लाई आप स्पाउस वीज़ा, कि आप किस तरीके से स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के नियर बाई ऑफिस में संपर्क करें, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी नॉलेज है कि हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा और ओपन परमिट ऑफ कैनेडा। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसका नाम है पोस्ट स्टडी परमिट ऑफ कैनेडा, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।